पाकिस्तान स्टिल नॉट आउट भाई, बाहर नहीं गए हैं। साउथ अफ्रीका को हराना जरूरी था, उस मैच को हरा दिया है आईसीसी इवेंट्स में। वैसे बाय द वे, फर्स्टली वर्ल्ड टी20 के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो 4 बार खेला है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ, 4-0 से आगे है पाकिस्तान। तो भाई क्या बात है, वेल डन पाकिस्तान, थोड़ा देर से आए हो लेकिन क्या आप दुरुस्त आए हो। वी शुड टॉक अबाउट दैट। और साउथ अफ्रीका, अब आईसीसी का इवेंट हो, हवा में बारिश हो और बारिश के बाद अगर डीएलएस का इस्तेमाल हो तो साउथ अफ्रीका तो नहीं जीतता है रे बाबा, इस बार भी नहीं जीता है। मैं नहीं कहूंगा कि बारिश की वजह से हारे हैं, डीएलएस की वजह से हारे हैं, पर साउथ अफ्रीका आप हारे हैं। अब वो कैसे हारे हैं, पाकिस्तान कैसे जीता है, बाबर के रन अभी भी नहीं बने, तेम्मा ने भी रन बना दिया है। करते हैं बात, उससे पहले रोल पंप। इफ्तिकार ला सकता था, सोच रहा था इफ्तिकार के बारे में, पर कोई नहीं, चलो दीज थिंग्स डू हैपन। टीमों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान मैच जीत गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और अच्छा मैच जीते हैं। डीएलएस के चलते तो ऑफकोर्स 33 रन से जीते हैं, पर जो बैटिंग जो उन्होंने की है जिसकी वजह से मैच जीते हैं उसकी बात करना आवश्यक है, पर टीमों की बात करना आवश्यक है क्योंकि डेविड मिलर उपलब्ध नहीं थे यार। डेविड मिलर का उपलब्ध ना होना, हेनरिक क्लासन का खेलना विच इज ओके फाइन, इट्स नॉट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, पर तबरेज शमजी का खेलना, केशव का ना खेलना, तो बैटिंग का थोड़ा सा और कमजोर हो जाना। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ देखे तो उनका मोहम्मद हारिस को खिलाना, भाई प्लेयर कैसा है भाई, ये क्या बंदा है यार ये। आई मीन 11 बॉले खेले हैं, कुल 28 उन्होंने रन बनाए हैं और वो 28 रन के अंदर वो 11 गेंदों में मोहम्मद हारिस ने ऐसे ना एक मतलब मोहर लगा दी, अपनी स्टैंप लगाई है, संदेश दिया है। और इस संदेश के अंदर ये लिखा है कि सिलेक्टर कहाँ थे आप भाई साहब, आपने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया था। अगर इतना जबरदस्त टैलेंट कोई बैठा है बाहर तो पाकिस्तान यार ऑनेस्टली ये मतलब बोलना नहीं चाह रहा पर बोल देता हूँ, मतलब लानत है यार ऐसी सिलेक्शन पे कि इतना अच्छा टैलेंट बाहर बैठा है और आप उसको खिलाते नहीं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग यार, जो शॉट लगाए ना, एक शॉट भी ऐसा नहीं था जो लप्पे वाला शॉट, तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। 11 गेंदों में 28 रन, व्हाट अ नॉक यार, व्हाट अ नॉक। आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। हालांकि 2 विकेट तो फिर गिर गए, मोहम्मद रिजवान इनसाइड एज, ब्लेसिंग मुजरबानी, वेन पार्नेल, सेम स्टोरी अ डिफरेंट डे, उस तरीके से एक बार फिर आउट हो जाते हैं। बाबर आजम 15 गेंदों में 6 रन है, रन यहाँ भी नहीं बने हैं। बल्ला चला रहे थे, कनेक्शन हो नहीं रहा, समय बहुत खराब है। जब से इन्होंने ट्वीट किया ना कि भाई विराट कोहली दिस टू शैल पास, और फिर हाथ मिलाया था कोहली ने, तब से रुकने का नाम नहीं लिया, इनका चलने की गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही है। तो अब कोहली से को कहना पड़ेगा कि सर आप भी प्लीज एक ट्वीट कर दीजिए, बाबर यू आर अ क्वालिटी प्लेयर, दिस टू शैल पास, क्योंकि पास हो नहीं रहा है, ये थोड़ा फेल हो रहे हैं। 3 नंबर पे हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की,